राजा है और दो रानियां हैं। और जैसे कि आपने कहा कि दो रानियां लग रही है, लग नहीं रही है, हम रानियां हैं। तो हम हैं देव भूपरी, छत्रसाल जी की पहली वाइफ, और मैं हूँ सेकंड वाइफ उनकी, जो कि उनका नाम सुशीला है। और राजा और ये दो रानियां। तो बेसिकली कहानी है उनकी ज़िंदगी के बारे में। हमने शायद उनके बारे में बहुत सुना है, बट ऐसी कहानी है जो आई थिंक कहीं बताई नहीं गई है। उनका एक प्रॉपर रिलीजन है जो लोग फॉलो करते हैं, शायद आपने सुना होगा प्रणामी है। और बहुत कुछ है बुंदेलखंड के एरिया में, मध्य प्रदेश के एरिया में, बट उनकी कहानी कभी भी दुनिया के सामने आई नहीं है। और आई थिंक ये बहुत सही वक्त है, तो उस वक्त भी जो जैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस उन्होंने किए थे, जिन प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ वो आगे बढ़े, आई थिंक इट्स ऑल वेरी रिलेवेंट टुडे। आई जस्ट फील दैट दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड, एंड इट नीड्स टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड अक्रॉस, और व्हाट वर द थिंग्स एंड थॉट्स दैट वी हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हिच मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट टाइम, एंड दे आर स्टिल मेकिंग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ टुडे। सर, इसके अलावा हिस्टोरिक स्टोरी है, और वॉर्स के बारे में तो बताया गया है, छत्रसाल ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन उनकी रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया गया, दो दो रानी थी, तो केमिस्ट्री कैसी है दोनों के साथ आपकी, और जो है वो टाइम प्यार की परिभाषा कुछ और होती थी और अभी कुछ और होती है, तो आपने कैसे खुद को ढाला उस किरदार में, थोड़ा सा बताइए, और आपकी केमिस्ट्री के बारे में बताइए दोनों रानियों के साथ। छत्रसाल जी के लिए उनका एक ही लक्ष्य था ज़िंदगी, कि उनको अपने राज्य को आज़ाद कराना है। मुझे बहुत ही फोकस थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी लाइफ, बट जैसे होता है ना ज़िंदगी में कि डिस्ट्रैक्शन यू डोंट लुक फॉर इट, वो अपने आप आ जाती हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भी आ गई, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो पहले जब अपनी पहली बीवी से मिले, देवपुरी से मिले, वो एक एक्सीडेंट था उनसे मिलना। बट आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ अस मैरिज और कंपेनियनशिप सीम्स टू बी अ हिंड्रेंस, बट इफ इट कम्स अक्रॉस इन द राइट वे, इट कैन बी अ ह्यूज बूस्ट टू आर अल्टीमेट गोल। और वही उनकी ज़िंदगी में, वो मिले थे एक एक्सीडेंट की तरह, बट ही रियलाइज दैट व्हाट ही हैज़ इन देव कुबरी इज़ अ ग्रेट पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप विच विल हेल्प हिम अचीव हिज फाइनल गोल। एंड इट्स नॉट जस्ट अ मैरिज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स देयर ऑर टू पार्टनर्स इन व्हाट अल्टीमेटली ही वांटेड टू बिकम, यू नो, सर्विंग पीपल एंड डूइंग गुड फॉर द कंट्री। उनको ये नहीं था कि उनको बहुत सारी शादियाँ करनी। आई थिंक द इम्प्रेशन दैट कम्स आउट इज के यू नो यू हैड अ लॉट ऑफ वाइफ। द थिंग वाज, पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आपने लड़ना नहीं है किसी से, अगर आप किसी एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है, लड़ना नहीं है, तो वहाँ के राजा कहते थे क्योंकि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, एंड दैट्स हाउ द पीस ट्रीटी इज़ टू हैपन। सो हिज वाइफ दैट मोस्टली ही हैड वाज बिकॉज दे वर मोस्टली अ पार्ट ऑफ द पीस ट्रीटी। तो उनकी दूसरी पत्नी है सुशीला, शी बेसिकली वॉज, यू नो, शी केम अक्रॉस एज इन पार्ट ऑफ द पीस ट्रीटी। ही नेवर वेंट आउट एंड सेड, यू नो, दैट आई हैव टू मैरी अनदर वुमन और समथिंग लाइक दैट। द थर्ड थिंग दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम वाज दैट इज ही एबल टू इन दिस वे इज ही एबल टू सपोर्ट वीमेन, बिकॉज एट दैट पॉइंट टाइम इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So it was not just about ke I need to go out and get married, it was also about can I do something for the welfare of women, and in that sense if I can support them, I think by marrying them is one way of supporting them, taking care of them. So that was the whole idea of, you know, him having the Acha, Raja to bol hi rahe dono rani hai, wo kafi shant rakhi thi, aap wo wait kar rahi hai ki main kab chupun, nahi because kyunki hum film mein bhi dekhte hain ya fir agar history mein back piche bhi jata hai, so there are very powerful women who were associated with इन देयर ओन लिटिल वे जो इतिहास में रह चुके हैं। इवन फिल्मों की अगर हम और चले तो वी हैव पद्मावत, वी हैव जोधा अकबर में भी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स थे वुमेन के, स्पेशली वुमेन हैव ऑलवेज बीन पावरफुल। इट जस्ट दैट इट सो हैपेंस दैट असली पावर अगर आप देखें हिस्ट्री में भी और आज भी, इट मोस्टली लाइज विद वुमेन ओनली। मेन जस्ट टेंड टू थिंक दैट वी आर पावरफुल, ये हमारी गलतफहमी है। अल्टीमेटली द फोर्स बिहाइंड आई थिंक अस इज वुमेन ओनली, एंड देयरफॉर आई विल गिव अ चांस टू वुमेन टू स्पीक। ओके सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि देव ये जब इनके जीवन में आती है तब एक लायबिलिटी के तौर पर नहीं आती, उनकी एक स्ट्रेंथ बनकर आती है।
और देव कुबरी एक शत्रानी है, एक वॉरियर प्रिंसेस है, तो वो सारे गुण लेकर जब वो छत्रसाल जी के जीवन में आती है तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हर मोड पर हर उनके डिसीजन में उनके साथ खड़ी होती है लाइक अ शैडो. और एट द सेम टाइम देव कुबरी हैज डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशंस ऑल्सो, कि भले वो एक शत्रानी है बट एट दैट मोमेंट व्हेन उसके पति गए हैं लड़ाई करने के लिए उसे वो डर भी है कि क्या मेरे पति सही सलामत वापस आएंगे, एक चिंता भी है. तो सारी रेंज ऑफ इमोशंस वी कैन सी इन देव कुबरी. तो मेरा कैरेक्टर का नाम है सुशीला जो कि सेकेंड वाइफ है छत्रसाल की. जैसे इन्होंने बोला वो एक पीस ट्रीटी के वजह से आती है महल में और एक वॉर होने वाली होती है जिसको रोकने के लिए ये शादी तय होती है और मैं आती हूँ महल में. तो मेरा कैरेक्टर बेसिकली सुशीला का कैरेक्टर ये है कि वो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, बहुत ही सपोर्टिव होती है, सपोर्ट सिस्टम होती है. पहले जब वो आती है महल में तब वो बहुत नर्वस होती है पर फिर उसके बाद उसकी और देव कुबरी की केमिस्ट्री भी दिखाते हैं. तो वैसे जैसे कहते हैं कि देव कुबरी अगर उसका यू नो हार्ट है तो सुशीला उसका माइंड है. तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है दोनों का छत्रसाल की लाइफ में. इसके अलावा अगर आप लोगों की कॉस्ट्यूम की बात करें, आप तीनों से जानना चाहूँगा, काफ़ी हैवी ज्वेलरी भी पहनी है आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे कॉस्ट्यूम को लेकर, किस तरह की तैयारियाँ की और क्या तैयारियाँ की करनी पड़ी आपको कॉस्ट्यूम? ये पूरा बेस बुंदेलखंड में है तो उसके उससे यू नो उससे इंस्पायर होके तब की ज्वेलरी हो या फिर यू नो लहंगा हो, टिपिकल जो क्वींस पहनती थी हैवी ज्वेलरी होती है गोल्ड की, नथ होता है यू नो वो ड्रेपिंग, तो उस सब से इंस्पिरेशन लेके ये पूरा लुक तैयार किया है दोनों रानियों का. किसी भी पीरियड ड्रामा में तो लुक एंड फील, आई थिंक द फर्स्ट इंप्रेशन इज लार्ज विद द वे इट लुक्स एंड कॉस्ट्यूम इज अ वेरी वेरी यू नो इंपॉर्टेंट वेरी बिग फैक्टर इन दिस होल. जब भी आप किसी एरा की बात करते हैं, अगर आज की डेट में देखूँ मैं, अगर मैं 90s की 80s की बात करूँ तो हमें पता है हम कैसे कपड़े पहनते थे. जब हम हिस्टोरिकल्स की बात कर रहे हैं मतलब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे कपड़े बिल्कुल सही हैं. सबसे अच्छी बात है कि अ लॉट ऑफ रिसर्च तो गई है, मतलब नो डाउट बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट समथिंग हू वाज देयर 200 इयर्स बैक, इट्स रियल. तो रिसर्च तो ही साथ साथ बहुत ही सटल और बहुत ही अच्छे कलर कलर के लाए. कुछ भी यू नो द स्टोरी द कैरेक्टर्स आर नॉट आउटशोन बाय द कलर्स दैट वी आर वेयरिंग, द कॉस्ट्यूम दैट वी आर वेयरिंग. वी हैव केप्ट इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, वी हैव केप्ट इट एज रियल एज पॉसिबल. एंड आई वुड लाइक टू से फॉर आर कॉस्ट्यूम टीम एंड स्पेशली आर क्रिएटिव डायरेक्टर रेचल, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो. अगर उनको है कि भैया मैं जो बैठा हूँ कल जो मेरी गद्दी पे था, सो द वे दिस शुड फॉल यू नो, और द वे यू नो द होल ज्वेलरी शुड लुक, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट. सो एटलीस्ट ये भार हम एक्टर्स के ऊपर नहीं है कि यार हमारा हमें कॉस्ट्यूम की चिंता करनी है. कॉस्ट्यूम और इवन लुक फॉर दैट मैटर, कॉस्ट्यूम लुक एज के हिसाब से भी लुक उन्होंने प्लान किया है. और एज ही नहीं बल्कि जब जो शुरुआत दिखाई जैसे कि छत्रसाल पहले जीवन में ज़्यादा इतने अमीर नहीं थे, तो वहाँ से लेके अब तक जैसे कि आज हम राज्याभिषेक कर रहे हैं छत्रसाल जी का, तो वहाँ तक का जो जर्नी है उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम लुक सारी चीज़ों का ख्याल क्रिएटिव डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से. अमीन आप सोच लीजिए हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन ही इज बॉर्न एंड द टाइम ही इज 18 इयर्स ओल्ड, आई एम देयर फ्रॉम द एज 25 टिल 82. सो इफ इट हैज टू वर्क, इफ इट हैज टू बी ऑथेंटिक, द लुक द कॉस्ट्यूम द फील हैज टू बी वेरी वेल एंड फुल मार्क्स टू देम, दे डन ग्रेट. कॉस्ट्यूम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ उसकी वजह से हम लोग फील कर पाते हैं कैरेक्टर को ज़्यादा, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जैसे कैसे दिख रहे हो, आप क्या फील करें तो फिर वो यू नो ऑडियंस को भी दिखेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट्यूम लुक का. इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें, पहली बार वेब प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई हिस्टोरिक शो आने वाला है, तो आपको लगता है कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा? क्योंकि अब तक जो जितने भी हिस्टोरिक शो माइक्रो शोज आए हैं वो मतलब फिल्म के रूप में आए, जैसे पद्मावत की बात करें, बाहुबली, रिसेंटली मणिकर्णिका, क्या कहना चाहेंगे कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी ये? अगर कोई भी आंसर देना चाहिए. काफ़ी कर पाएगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब भी हम कोई हिस्टोरिक एक टॉपिक लेते हैं तब किसी का जीवन बस दो घंटे में दिखाना नाइंसाफी है. अगर आप उसे कुछ एपिसोड्स में दिखाओगे जहाँ पे हमारी ऑडियंस और इंगेजिंग रहेगी और ऑडियंस को जानने में खुशी होगी कि जन
लेजेंडरी ऐतिहासिक इंसान का, तो शायद वो ज़्यादा अपील करेगा और मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में. तो डेफिनेटली उसको पीपल आर गोइंग टू लव दिस. हर कहानी का यू नो एवरी स्टोरी डिमांड कुछ मीडिया, कुछ चीज़ें टेलीविजन पे आती हैं, टेलीविजन पे आने का डिमांड दैट इन फॉर लेंथ, कुछ चीज़ें फिल्मों में चलती हैं बिकॉज टाइम लैप्स हो सकता है, दे वांट दैट स्केल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सम स्टोरीज विच आर यू नो ए वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम लैप्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बी वी आर स्प्रेडिंग इट ओवर यू नो सो मेनी एपिसोड्स. सम स्टोरीज डिमांड अ वेब मीडियम. आई थिंक छत्रसाल जी की कहानी ऐसी है कि शायद वेब मीडियम ऐप खेलते हैं वे पीपल कैन गो बैक टू इट अगेन एंड अगेन वॉच इट एपिसोड वाइज यू नो एंड यू नो इट शुड बी अवेलेबल रेडी ऑल वेब सीरीज. आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म माइट वर्क. ऑल्सो थोड़ा प्रेशर भी रहता है क्योंकि जो है जब हम लोग हिस्टोरिक शो को रियल कहानी को किसी के सामने लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं. विजयदशमी का पर्व है और यहाँ पर जो है वो हमारे यानी एमपी दिखाया गया है बुंदेलखंड पन्ना. यहाँ से जो औरंगज़ेब का जो कहर था और राज था यहाँ, तो उसे वहाँ से हटा दिया गया है, तो उसकी खुशी मनाई जा रही है. और छत्ता जो है वो बिल्कुल समर्पित है अपने गुरु कह सकते हैं या अपने जो भी उनको प्राणनाथ यानी जो मैं कर रहा हूँ उनको मानता है, तो ये उसी के उपलक्ष्य में था ये पर्व जो मनाया जा रहा है. तो यही आपने जो भव्य सीन देखा उसी के बारे में था कि ये जो हमारा पीक पॉइंट है जहाँ पर वो औरंगज़ेब से जीत कर आता है. हालांकि जीते तो बहुत बार थे छत्रसाल, लेकिन ये जो एक बड़ी विजय थी और सोलो जो जीत थी अकेले 1-1 उसके बाद जो जीत है उसका ये जश्न है. हाँ, ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये इसलिए डिस्क्लेमर भी जो होता है वो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उनको करना भी पड़ता है हल्का सा, क्योंकि सारी की सारी हिस्ट्री कई बार दिखाने से लोगों का जो है वो उस पर मतभेद हो सकते हैं कि जो हम जिनको जैसे फॉलो करते आए हैं उनको वैसे ही फॉलो करें. right. तो उसमें जो विश्वास है उस बायोपिक जिसके ऊपर बन रही है उससे विश्वास हट ना जाए, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं. हाँ, इसमें ये नहीं होता कि वो हिस्ट्री चेंज हो जाती है या उसमें फेरबदल हो जाता है, बट वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम वो सारी चीज़ें करते हैं. तो यहाँ पर जो है जो अपने वेब सीरीज़ की बात की, हाँ ये पहला इनका पहली बार आप समझ सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिस्ट्री यानी 400 साल पुरानी बात है ये, जब ये हुआ था जब औरंगज़ेब थे और उनका जो उससे ये कम से कम बहुत बार छत्रसाल जो हैं जिन्होंने पढ़ा है और जो ये प्राणनाथ जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें इनके मंदिर भी हैं बुंदेलखंड में पन्ना में. एक प्राणवी समाज है जिसको जो इन्हें फॉलो करते हैं जो करोड़ों के उसमें है, जो मुझे भी नहीं पता था जब मुझे बुलाया गया. इसमें सबसे जो मैंने अभी भी जस्ट शेयर किया था उनसे वो ये है कि ये रोज़मर्रा वाला जैसे हम रोज़ देखते हैं माइथोलॉजिकल में या हिस्ट्री में देखते हैं कि कॉस्ट्यूम पहनी होती है, फुल कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, ये उस तरह का उतना नहीं है. यानी जो प्राणनाथ जी हैं बिल्कुल आज की तरह वही नॉर्मल, ये आज ये कोरोनेशन है जैसे ये भव्य एक सीन है तो उनको वो जो छत्रसाल है उसको छत्ता बोलते हैं, वो प्यार से उनको वो जो कॉस्ट्यूम पहनाई गई है कि हम आपको गुरु मानते हैं तो आप भी हमारी तरह सजिए धजिए. लेकिन यहाँ पर जो है उनका एकदम कुर्ता है, नॉर्मल सी शॉल है, नॉर्मल एकदम जैसे आम इंसान की तरह ही डिवाइन है, उनको गॉड माना गया. तो यहाँ ये चेंज है जो लोगों को देखने में और मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. सर, इसके अलावा मणिकर्णी का की अगर बात करें, हम क्रिश के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, सर आप भी वो फिल्म में थे, एज एन एक्टर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या क्रिश ने फिल्म छोड़ी थी या फिर? देखिए, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा. हाँ, जैसे आपने कहा कि एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं, मेरा एज एन एक्टर सिर्फ यही सोचना था कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, फिल्म में जो भी वो करें. मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का साइड ले रहा हूँ या उसकी बात है. हाँ, एक पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, एक चीज़ें होती हैं जिस पर वो सारी रिलीज़ भी करना था और वो आपस में जो मुझे सुनने में आया था, मुझे प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूसर ने साइन किया था तो मुझे ये अपना जो जॉब था वो पूरा करना था. वहाँ क्या क्या हुआ, बहुत सारी बातें हम तक नहीं पहुँची. अब ये क्या इनकी आपस की बातें होती हैं, हम आपस में समझ लेते हैं कभी कभार, लेकिन वो भी समझ नहीं आती. तो क्या सच है या क्या झूठ है इस पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता. सर, इतिहास के साथ आपका भी एक अलग कनेक्ट रह चुका है, आई मीन जो आपने पहले जो काम किए हैं हिस्ट्री या माइथोलॉजी. मणिकर्णिका में सर ऐसा कुछ हुआ, आपके बहुत सारे सीन्स हो या कुछ आपने जब फिल्म देखी, कुछ कैंची चली सर? कैंची बहुत चली, इंटरवल के बाद का पूरा एक री एंट्री थी. करेक्ट, क्योंकि हम जब देख रहे थे समझ में आता है वो कुछ मिसिंग था. जी, री एंट्री डेफिनेटली थी और एक अच्छे लेवल पर थी.
वो कैंची चली है, अब उन्होंने जिस तरह से उसको स्टोरी को समझा, मैंने कहा ना कि हम लोग सारी चीज़ें उस तरह से नहीं प्रेजेंट कर पाते जो करना चाहते हैं या करना चाहिए, तो लेकिन चीज़ को अच्छा बनाते हुए जो चीज़ें उनके फ़ायदे में थी या नहीं थी वो रखी गई, जो लगा उन्हें कि ये नहीं रखना चाहिए तो उन्होंने उसको कैंची चला दी, उस पर कैंची मुझ पर ही चली। कि वो कुरान भी जानते थे, वो पूरी तरह से जानते थे और वो अच्छी तरह समझते थे कि वो सब धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ कभी भी गलत नहीं हो सकते, सो सारी चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती। कौन किसको कैसे समझता है, कैसे लेता है, उस पर डिपेंड है। तो वो औरंगज़ेब को भी वो मैसेज मिलता है, वो चीज़ें होती हैं कि यस वो लोग राइट हैं, वो लोग सही हैं। सुपर सर, इसके बाद फाइनली एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, यू आर डूइंग समथिंग अभी इसके बाद? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये अभी फ़िलहाल तो मुझे भी नहीं पता होता, मैं सच कहूँ मुझे ये आ जाएगा मेरी झोली में और मुझे ये मौका मिलेगा करने का, मुझे नहीं पता था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं इसमें फाइनल हुआ और मैं शूटिंग पे भी कर रहा हूँ, यानी उसमें रिसर्च करने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, सीधा सर आप तो कर रहे हैं, अच्छा अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे ही मुझे नहीं पता कि अभी कौन सा फ़ोन या कोई कॉल आ जाएगा, तो हो सकता है कल हम आपको वहाँ मिले। सुपर सर, एक आखिरी सवाल, वेब सीरीज़ अगर करने का चांस मिले आगे जी, विल यू हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आज एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है हाथ में, मैंने अभी कहा था कि हमारा एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है मोबाइल फ़ोन, यानी हमारा हाथ शायद एक बार हम ना धोएं मोबाइल में, मोबाइल ज़रूर हाथ में रहता है, तो वो जितना ज़रूरी हो गया तो वेब जो है लोगों तक पहुँच रहा है, तो बहुत ज़रूरी है वहाँ अच्छा काम करना कि हम अच्छी चीज़ें भी उसमें दिखाएँ, सिर्फ एक ही साइड ना दिखाएँ जो लोग देखना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वो सिर्फ उसी तरह की चीज़ें ना दिखाना, लोगों तक अच्छे तरह से भी पहुँचें, क्योंकि हाथ में हमारी चीज़ें हैं तो हम अच्छा भी तो सीख सकते हैं। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्लिक ऑन द लाइक बटन, मस्ट डू शेयर द लिंक, थैंक यू।